आज मैं आप लोगों को संस्कृत में पाठ एक वर्णमाला बनाऊंगी। प्रथम अध्याय संस्कृत वर्णमाला। आइए पहले हम देखें संस्कृत किसे कहते हैं। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, सब लोग जानते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की संस्कृत से विकसित हुई है, अर्थात संस्कृत से ही हिंदी की भी उत्पत्ति हुई है। और इसके बाद भाषा किसे कहते हैं, जो हम अपने मन के भाव और विचारों को जिसके माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं, अर्थात भाव और विचारों का को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसे ही भाषा कहा जाता है। जो अब आइए देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार की, भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं, पहला है लिखित भाषा, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। आइए देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जो हम अपने मन के भाव और विचारों को बोल करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को मालूम हुआ कि संस्कृत क्या है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, अभी आप लोगों ने पढ़ा। और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से ही है। और अभी आप लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा कि जो हमने मन के भाव विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होता है, जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचारों को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, लेकिन मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोल करके अपने व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और लिख करके जो हम व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब आइए हम बताते हैं आपको वर्ड। वर्ड क्या है, वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, अर्थात भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ड कहते हैं। जैसे अ आ क ख ग इत्यादि, जिसकी टुकड़ी न किए जा सकती उसे वर्ण कहते हैं। अब है वर्णमाला, अध्याय है वर्णमाला। तो देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला। अर्थात वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ से लेकर के अंत और क से लेकर के ज्ञ तक को मिला देते हैं क्या हो जाएगी, यह वर्णों की एक माला बन जाएगी। अब आइए देखते हैं वर्ण, वर्ण आपने कहा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। अब है वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के तीन भेद। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोध्वा। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। अब तो यह मालूम हो गया आपको कि वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको मालूम हो गया कि वर्ण के तीन भेद हैं, अर्थात वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोध्वा। आइए हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे ही वर्ण कहते हैं, उसे ही स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब आपको स्वर के बारे में मालूम हुआ कि स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उसे ही स्वर कहा जाता है। जैसे स्वरों की संख्या 13 होती है जिन्हें तीन भागों में बांटा गया है। अभी आपने वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण के तीन भेद हैं, वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, स्वर के बारे में पढ़े आप कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ये सब क्या स्वर आदि।
अब है स्वरों की संख्या पूरी 13 होती है बच्चों, और इसे 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। अभी आपने वर्णों को पढ़ा कि वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, इसमें पहला भाग स्वर था। अब स्वर किसे कहते हैं आपको मालूम हो गया। अब स्वर 13 होते हैं।